शाम के टाइम नहीं रहता है, तो आज सुबह के टाइम टाइम थोड़ा बड़ा रहता है। हे फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, और आज कल मेरा काम नहीं हुआ और आज मैं जाके आई क्योंकि मैं बहुत परेशान थी तबीयत को लेके। तो फ्रेंड्स, आज मैं जाके आई क्योंकि आज लाडो को मैंने रेडी किया 12 बजे और तुरंत उसको मैंने भेजा, मतलब क्या कैसे करके, क्योंकि जब तक वो जाती नहीं जाएगी नहीं तब तक मैं कैसे मेरा काम करूं या कहीं जाऊं बाहर उसको छोड़ के। वो गई, मैं भागते भागते ओला किया और मैंने रास्ते से ही कॉल किया कि कल मैं आके वापस आ गई थी, तो प्लीज़ आज मुझे अगर 10 मिनट लेट होता है तो प्लीज़ रुके रहिए क्योंकि बहुत मुझे दिखाना ज़रूरी है। बोले नहीं नहीं आप आ जाओ, वैसे भी आज शाम के टाइम नहीं रहता है, तो आज सुबह के टाइम टाइम थोड़ा बढ़ा रहता है। तो गई और काफ़ी टाइम वहाँ मुझे 3 घंटे लग गए, और आई मैं बहुत परेशान थी क्योंकि वैसे तो नॉर्मली जैसे आई चेकअप होता है तो 2-3 घंटे दिखाई नहीं देता है, लेकिन 2-3 घंटे बोलते हैं बट इतना नहीं लगता है। बाकी टाइम जब भी जितना भी बार भी टेस्ट हुआ तो इतना समय नहीं लगा जितना इस बार लगा। मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं, मैं कैसे आऊँ इतना कड़क धूप, ऐसे वैसे करके मैं कुछ पेमेंट कर रही हूँ वो भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। आई और आज मुझे जाना भी था, आज कोमल अकेडमी में मुझे जाना था, आज डांडिया के लिए बुलाए थे उधर, बट मैंने पूरा तैयारी किया, सोचा सब किया, रेडी होने के लिए क्या पहनना है, रेडी होने के लिए भी एक जन को बुलाया क्या कि मेरा बाल वगैरह जो भी है थोड़ा सा सेटअप करना है, वो सब टचअप वगैरह थोड़ा सा मेकअप, बट ऐसा हो गया कि मैंने वापस से कॉल किया कि प्लीज़ आप मत आइए और मेरा तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती, और इसलिए मुझे वहाँ का कैंसिल करना पड़ा। फिर 1 साल बाद फिर नवरात्रि आएगा और आज वहाँ पे प्रोग्राम था तो लाए थे मुझे, बट क्या ही बताएं, अभी होता है ज़िंदगी में बहुत कुछ भूलना पड़ता है, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए सच में बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। तो मैं नहीं गई, उस चीज़ का मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर से कि मैं नहीं जा पाई, मुझे जाना था वहाँ, बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरा ये मानना है कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि मैंने जो जो चीज़ भी आज तक मैंने खोया है, जो जो चीज़ मेरा छूट गया है उससे कई गुना अच्छा मैंने पाया है। मैं इसके लिए भगवान जी का शुक्र अदा करती हूँ कि अगर वो कुछ मेरे साथ गलत भी होता है तो भी मैं मेरे अंदर एक सुकून रहता है कि नहीं कुछ तो रहेगा कि ऐसा हुआ है, तो एक है उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे सिर पे। तो देखते हैं, लाडो अभी आएगी, लाडो जाएगी, चेंज करूँगी फटाफट, जाएगी ट्यूशन, इसके बाद वो आएगी तो बोलेगी मुझे जाना है डांडिया में, और आज मैं भी जाऊँगी क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है बार बार सब लोग बुलाने आते हैं, फ़ोन करेंगे फिर घर पे भी आए रात में, तो मैं बोली प्लीज़ आज मत बोलिए क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है, तो इस वजह से नहीं गई, बट आज जाऊंगी। देखते हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ थोड़ा बाहर निकलूँ, थोड़ा मिलूँ जुलूँ जैसे मैं पहले थी। बहुत लोग बोलते हैं कि आप जैसे पहले थे वैसे बिल्कुल भी अभी नहीं है, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं, बट क्या हुआ मुझे खुद को नहीं पता। हालात के साथ, समय के साथ बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और बहुत कुछ जानते हुए भी अनदेखा करना पड़ता है ज़िंदगी में, बस यही है बाकी कुछ नहीं। तो लाडो अभी मेरी पहुंच रही होगी, उसको 5 मिनट लेट ही हो गया है, तो बस अभी बेल बजने वाला है, तो मैं फटाफट तब तक पूजा भी कर लेती हूँ, और पानी आया है इस टाइम पे, और बस थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ, पूजा पाठ वगैरह थोड़े से इधर उधर कर लेती हूँ, और लाडो आएगी उसको रेडी करती हूँ, थोड़ा सा वीडियोस का आज मैंने शॉर्ट्स थोड़ा सा बनाया। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आप सब बने रहिए और खूब सारा सपोर्ट और प्यार दीजिए। हे फ्रेंड्स, तो अभी मैं रेडी हो गई, जा रहे हैं हम लोग डांडिया खेलने नीचे, और उसमें डांडिया खेलते क्या खेलते कुछ समझ में नहीं आता, सब बच्चे लोग ही रहते हैं, और जो लोग बड़े लोग जो हैं वो 2 मिनट में थक जाते हैं, आएंगे साइड में बैठ जाएंगे, और जो ही उल्टा सीधा है इसमें उसमें जो सब लोग करते हैं, बट एक रहता है कि चलो थोड़ा टाइम के लिए सब लोग साथ में मिलते हैं और थोड़ा सा हो जाता है गेट टुगेदर, सबका हो जाता है थोड़ा मिलना, हंसी मजाक ये वो। और इतनी गर्मी है कि काहे का कोई कलर क्या फॉलो करे क्या, बिल्कुल भी, इतनी गर्मी में कौन साड़ी डालेगा कौन लहंगा डालेगा। फिर मैं सोची थी आज डालूँ कि आज साड़ी डालूंगी, ड्रेस वो कलर का मैचिंग मतलब वहां जाने के लायक नहीं मुझे मिल रहा है, साड़ी डालूंगी, बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुआ है और ना ही मैंने डाल। लेके जाना है क्या आपको? ले जाना,
जो होगा तो मैं बोलूंगी तो आना लेके जाना। चाबी आपको चाहिए ना? चाबी, चाबी मेरे पर्स में है, जाओ पर्स। उसको काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम सब रेडी हो गए और जा रहे हैं हम डांडिया खेलने। कलर बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है ना, कोई भी लहंगा और साड़ी चनिया चोली संभाल नहीं पाएगा, ऐसा मुझे सबके लिए लगता है, मेरे लिए सिर्फ नहीं सबके लिए लगता है। तो चलिए मिलते हैं गरबा में, सुपर गरबा में। भाई जीटे फेंके लगा भाई।